वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे रात के 11 और अभी मैं जा रहा हूँ पशुपतिनाथ, क्योंकि वहाँ का सीन डूड अलग ही है। और सो अभी रूम लॉक करते हैं एंड चलते हैं। दाई भी है जो मेरे गांव से है एंड वो भी मेरे साथ चलेंगे। तो बाय द वे मैंने हेयर कट कटा लिया है, क्योंकि कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कि इतने बड़े बड़े नहीं रखो, इसलिए मैंने कटा लिया। बाय द वे ये लुक में कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताना। सो चलते हैं डूड। फाइनली हम लोग, बाय द वे ये रहे आशुतोष दाई। तो पहाड़ चढ़ रहे हैं दोस्तों, बाट में चढ़ने वाला। बाय द वे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो पर हम लोग चढ़ रहे हैं, अभी चढ़ रहे हैं। बाईपास रोड है, मतलब बाईपास नहीं, मेन रोड है जो बालकुमारी का है। तो आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड में बहुत कार आ रहे हैं एंड जा रहे हैं। डूड हम लोग आ चुके हैं तीन कुने में, जो आपको फील्ड दिख रहा होगा वो है। तो अभी हम चलते हैं। तो यहाँ पर लाइट है इसलिए मैंने शूट कर लिया, कि रात में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और देखते हैं क्या सीन रहता है आज का, और इन्जॉय बहुत करेंगे। और इंजॉय करने के लिए तो हम बने हैं मैन, यो मैन। आगे का सीन दिखाता हूँ कि कैसा है। तो आगे ऐसा ही है, बट आगे मेरे हमारे प्यारे भैया जी है, भैया एंड दाई है वो। एंड यहाँ पर अन्नपूर्णा जो आपको दिख रहा है वो अन्नपूर्णा न्यूज़पेपर है। एंड देखते हैं कि कब तक घूमते हैं एंड कब तक। देखो मैन हम लोग आ चुके हैं अभी एयरपोर्ट, जो आपको ये लाइट दिख रही है ये एयरपोर्ट का है। और बाय द वे मेरे को एक सामान मिला जो ऑन द वे में मेरे को मिला, और वो मोबाइल है, एक छोटा सा कीपैड है। जो ये आप कीपैड देख रहे हो ना मोबाइल, वो मेरे को एक्चुअली अभी ऑन द वे मिला। और ये रहा एयरपोर्ट मैन। और अभी हम चलते हैं फटाफट से, हमको जाना है यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा लाइट था तो हमने वीडियो बना लिया। क्या करे, जुगाड़ मैन जुगाड़। जो चलते हैं जल्दी जल्दी। बाय द वे मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ मेरे को खुद नहीं पता। और बाय द वे मेरे को ना एक ऑन द वे मेरे को एक मोबाइल मिल गया, और मेरा एक्साइटमेंट इतना था और इतना हो गया। तो ये है ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया एयरपोर्ट का है। और बाय द वे एयरपोर्ट आगे है थोड़ा, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। बाय द वे ये बिल्डिंग अभी बन रहा है, तो बहुत ही खतरनाक बिल्डिंग बन रहा है आई थिंक सो। जो आप दिन में आओगे ना एंड देखोगे तो पता लगेगा कि एक्चुअली ये क्या सीन है। और सो भाई अभी हम चलते हैं एंड देखते हैं। बाय द वे आशुतोष भाई आगे चल रहे हैं मेरे से। हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट, जो आप लोग बैक में देख लिया हुए। अब थोड़ा ही देर है हम लोग पहुंच जाएंगे पशुपतिनाथ। और बाय द वे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट है, जो आपको बैक में दिख रहा होगा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है मैम। तो ये वाला दिख रहा है, ये है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा ही देर में, अब 10-15 मिनट में हम लोग पशुपतिनाथ पहुँच जाएंगे। थोड़ा पचा पीछे हो जा रहे हैं क्योंकि मेरे को ब्लॉग शूट करना पड़ा है, एंड ये आगे चल जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोटो क्लिक हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हो वीडियो में। एंड यहाँ से सब आ रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से। फाइनली डूड हम लोग आ चुके हैं पशुपतिनाथ। यहाँ से भी गेट है, यहाँ से भी, और यहाँ पर देख लो कितना अच्छा डेकोरेट किया है। और आगे भी गेट है, तो हम लोग वो गेट से छिपिए, गेट से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा घूमना पड़ता है, एंड देन ये गेट से बहुत शॉर्टकट पड़ता है बाय द वे। तो देखते हैं बाय। सो यहाँ से ही बहुत ज़्यादा क्राउड स्टार्ट हो चुका है। सो भाई पीछे लाइट दिख रहा है ना, सब इसी का है। यहाँ से जाना है अभी अंदर, तो चलते हैं बाय द वे हम लोग यहाँ से जाकर यहाँ जाएंगे अंदर।
अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से और खतरनाक वाली व्यू आएगी। सो वे मैन एंड देखते हैं कि क्या सीन है। सब लाइन लगा है जो कल मतलब अभी वो सब दर्शन करने के लिए हम दर्शन ऐसे ही लग गए। अब हम चल रहे हैं अपने घर से भाई। जा रहे हैं अपने रूम पर।
ज़्यादा मज़ा आ गया और सोचा नहीं था, पर अनप्लानिंग अनप्लान था और अनप्लान में ही इतना मज़ा आ गया। सोचो यार, बहुत बहुत मज़ा आया। आप भी आओ तो महाशिवरात्रि में ट्राई करना पशुपतिनाथ आने के लिए। सो वही, अभी चलते हैं रूम में एंड देखते हैं। बाय द वे अभी बस भी नहीं मिल रहा तो चलते हैं पैदल ही, 10-15 मिनट लगेगा हमारे के अंदाज से। सो चलते हैं एंड देखते हैं। आ चुके हैं मैं रूम के पास में। सो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।